आज अकेडमी से तीन बच्चे गए थे फिजिकल देने के लिए, तीनों का तीनों फिजिकल क्लियर करके आए हैं, दो यहाँ मौजूद है, एक आए नहीं, एक अभी घर पे है, वो कल सुबह आए। अभी हम लोग चार तीन दिन 28 तारीख से, कितना दिन हो गया, आज तीसरा दिन, तीन दिन से फिजिकल चल रहा है, तीनों दिन हमारे यहाँ से लगभग लगभग सारे बच्चे फिजिकल करने करके आ रहे हैं, लगभग लगभग एक आधा लोग रुक रहे भी रहे हैं, जो लोग रुक रहे हैं माइनर सा मिस्टेक है कि कभी 2 सेकंड से 5 सेकंड से ऐसे इस टाइम से वो रुक रहे हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोगों का रिजल्ट अभी तक ठीक है। तो आप भी मेहनत कीजिए, आपके सामने ही आपके बैच के ही है, कोई पुराना बैच नहीं है, आप में से निकल के इधर आए, तो अब आपका फिजिकल आने वाला है आगे वाले डेट में, जिसके पास 10-15 दिन है सिर्फ और सिर्फ 3 दिन के काम कर ले, आपको फ़ायदा मिल जाएगा। मौसम का मार पड़ रहा है, जिसमें इसको धूल मिट्टी जिससे प्रॉब्लम हो रहा है वहाँ, तो आपके पास अगर टाइम है तो इस वेदर से पहले ही फैमिलियर हो जाइए, क्योंकि अभी तक जुलाई तक ये सिस्टम रहेगा, तो आप हल्का सा दोपहर में दौड़ना एंड ऑल ऐसा कुछ करते रहिए, जैसे कि आज हमने टाइमिंग ली थी तो बहुत लोगों का टाइमिंग आया था, और बहुत लोगों का टाइमिंग जिनका हमारे पास पहले आ चुका था वो अपने टाइमिंग से 10-12 सेकंड बाहर थे, तो उसको मिट्टी का उड़ना, गर्म धूप ये वो के कारण ऐसा हो रहा है, तो हम 10 दिन के ट्रेनिंग में इस वेदर से भी फैमिलियर हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एक बार फिर से दीपक के लिए मिठाई आपके बीच थोड़ी देर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, अब आपको दीपक कुछ बताएंगे, अपना एक्सपीरियंस बताइए, एक्सपीरियंस कैसा रहा, ज़्यादा जोर से बोलना बच्चे तक आवाज़ जाए, एक्सपीरियंस और बहुत बढ़िया रहे, सपोर्ट स्टाफ बहुत सपोर्टिव है दिल्ली पुलिस का, बस यही है कि अपना वो दमखम लग गई हूँ, दमखम आराम से हो जाएगा। वहाँ पे जंप वगैरह में दिक्कत आ रहा, कम्फर्ट ट्रैक है, ट्रैक कम्फर्ट है पर वहाँ फट्टा लगा रखा है, फट्टा लगा हाँ, तो फट्टा कुछ बच्चे ने प्रॉब्लम आ रही है, जैसे मेरे ग्रुप में 20 बच्चे हुए थे तो 6 बच्चे बाहर हुए थे लॉन्ग जंप पर, क्योंकि बस उनका क्या था लॉन्ग जंप मारे पर फट्टा फाउल कर रहे थे, तो फट्टे पे पैर रख के जाना तो अलाउ है, फट्टे से पैर रख के जाना अलाउ है, अगर फट्टे से एक उंगली बाहर है तो चलता है, उससे अगर थोड़ा सा बाहर है तो डिस्क्वालीफाई कर, एक तरह से फट्टा कहीं ना कहीं और सपोर्टिव भी है, हाँ फट्टा सपोर्टिव भी है, फट्टा सबसे अच्छी बात है जंप बहुत अच्छा है, ये बात इसकी, तो आप लोगों के लिए बेनिफिट मिलेगा, जिसका यहाँ पे जैसे 9.5 है 9 है तो उसको भी क्या ऐसा बेनिफिट मिल रहा है कि आधा एक फिट वहाँ फट्टे के सपोर्ट से एक्स्ट्रा मिल जा रहा है, अगर वो फट्टे पर अगर करते हैं सर तो उधर तो निकाल लेगा, उधर जो फाइनल जो कूदते हैं उधर एक दो फुट का वो कर देते हैं, अगर 13.5 मारी थी एक बच्चे ने उसका वो फाइनल कर दिया और वो फट्टे पर सही कूदा, बस ये अल्टीमेटली अब स्टार्टिंग पॉइंट पर आपको फॉल नहीं मारा, स्टार्टिंग पॉइंट फॉल नहीं मारा, क्योंकि उधर कैमरा लग रहा है इसलिए वो कहते हैं ये बात। चलो आप बताइए अपना कुछ एक्सपीरियंस, आपकी मेहनत से, मेरी मेहनत से आज मैं अल्टीमेटली, मेहनत सब कुछ आप लोगों का होता है, हमारा काम होता है पुश करना, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ फिजिकल ट्रेनिंग के कैटेगरी के अंदर में सिखाने जैसा कुछ है ही नहीं, ये हम ट्रेनर कर रहे हैं काम, बट रियलिटी इसकी ये है, जो ये कैटेगरी है फिजिकल ट्रेनिंग की इसमें सिखाने जैसा कुछ भी नहीं है, आप ऑलरेडी बस खाली आपको पुश करना है, दौड़ना है, दौड़ने में क्या सिखाने की बात है, कूदना है, कूदने में क्या सिखाने की बात है, आपका लाइफस्टाइल हेल्दी नहीं है, आप बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड ऑलरेडी हो, तो इस कारण से आपको सीखने की जरूरत पड़ रही है, जो गांव देश के बच्चे हैं ना वो कर लेते हैं अपने आप, अब आपको कूदने के तरीके कुछ इंजरी फ्री चीज़ें हो, जैसे कि लाइक आपका घुटने में चोट ना आ जाए, कभी कभी हम लॉन्ग जंप से कूद देते हैं घुटना सीधा मार देते हैं, तो ये चीज़ ट्रेनर का काम है कि बताना कि आपके घुटने में इंजरी, फिजिकल से ज़्यादा प्रायोरिटी हमारा बॉडी है, पहले सेफ्टी फिर फिजिकल, आप अपनी सेफ्टी रखें, सेफ्टी देखें, इंजरी नहीं चाहिए, इंजरी फ्री तरीके से करना है, एज अ ट्रेनर एज अ गुड मेंटोर मुझे लगता है कि सबसे पहले आपकी सेफ्टी मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में, देन फिर आपकी फिजिकल, तो सिखाते हुए मैं ये ध्यान रखता हूँ कि इंजर्ड ना हो, दर्द होना, मसल्स पेन होना ये प्रोसेस और ये होगा ही, तो इस दर्द के बैरियर को तोड़ते हुए ही हमारा फिजिकल का जो पॉइंट है वहाँ पहुँच पाएंगे, तो आप लोग दर्द से मत घबराइए, मेहनत कीजिए, बहुत जल्दी आप भी इधर खड़े होकर अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे होंगे एक नए ग्रुप के सामने, थैंक यू वेरी मच कि आप लोग आए, नेक्स्ट टाइम शेयर किया और आते रहना, एक छोटा सा गेट टुगेदर रखेंगे।